हेलो गाइस, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्दी टिप्स एंड एडवाइस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसको पीसीओडी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, यदि आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में पीसीओएस की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर 10 महिला में से एक महिला को ये समस्या डेफिनेटली है, यानी कि वे एक महिला पीसीओएस से ग्रस्त है। तो इसलिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पीसीओएस है क्या। तो मैं आपको बता दूं, पीसीओएस ओवरी की एक बीमारी है और ओवरी का सिंपल काम है अंडा बनाना। और ओवरी में जब अंडा बनता है तो अंडा बनने से पहले ओवरी में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन बनता है, और जब अंडा ओवरी से बाहर आ जाता है तो बाहर प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है। और रेगुलर पीरियड्स के लिए इन दोनों हार्मोन्स की मात्रा और संतुलन होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ओवरी में एक अंडे के बदले बहुत सारे अंडे बनना शुरू हो जाते हैं तो इससे जो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है उसका स्तर बढ़ जाता है, और जो बहुत सारे अंडे बनते हैं उसमें से कोई भी अंडा बराबर का नहीं बनता, जिसकी वजह से ओवरी के बाहर प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनता ही नहीं है। और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने की वजह से महिलाओं का वजन बढ़ने लगता है, और प्रोजेस्टेरोन ना आने की वजह से महिलाओं के पीरियड्स इररेगुलर हो जाते हैं। और अगर पीरियड्स इररेगुलर होते हैं तो इससे प्रेगनेंसी कंसीव करने के समय काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। और पीरियड्स इररेगुलर होने की वजह से फीमेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन होता है इसका लेवल भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगता है, और जब इसका लेवल बढ़ने लगता है तो फीमेल्स के चेहरे पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं पीसीओएस के कारण के बारे में। तो इसका सबसे पहला कारण है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स में वृद्धि, और ये हार्मोन हमारे ब्रेन के बेस में एक ग्रंथि रहती है, वहाँ पर बनता है। और इस हार्मोन की जो मात्रा बढ़ती है वो ट्यूमर की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से बढ़ती है। लेकिन जब इस हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है तो जो हमारे ओवरी का फंक्शन होता है वे ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। और सेकेंड कारण है हाइपोथायराइड। जब भी किसी को हाइपोथायराइड होता है, यानी थायराइड की मात्रा कम हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी ओवरी की जो फंक्शन होता है वे ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। और तीसरा कारण है इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होना। अगर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा रहती है तो ओवरी पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इन सब के अलावा चौथा कारण है एड्रेनल ग्लैंड। ये एक वे ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर रहता है, और ये टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स को बनाता है। अगर इन सब हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे ओवरी पर असर पड़ता है, और ओवरी का जो फंक्शन होता है वे ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। और पीसीओएस होने का एक कारण आजकल का लाइफस्टाइल भी है, और ये जेनेटिक भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इलाज किया नहीं जा सकता, इसका इलाज नॉर्मली किया जाता है। सबसे पहले इसमें सोनोग्राफी की जाती है, जिससे ये देखा जाता है कि ओवरी का साइज कितना बड़ा हो गया है। सेकेंड, इनमें ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता किया जाता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है उसका लेवल कितना बढ़ गया है। इसके बाद इसके ट्रीटमेंट को दो भागों में बांटा जाता है, पहला नेचुरली तरीके से और दूसरा मेडिकली तरीके से। और नेचुरली ट्रीटमेंट में जिसको भी पीसीओएस की समस्या होती है उसको योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, और एक हेल्दी डाइट लेने के लिए कहा जाता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना होता है। और जो मेडिकली ट्रीटमेंट होता है, इसमें जो भी पेशेंट होता है उसको दवाइयों के तौर पर ठीक किया जाता है। तो दोस्तों, ये है पीसीओडी यानी कि पीसीओएस की पूरी जानकारी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।